दिल्ली करंट न्यूज में अभी की खबर है, फर्स्ट नाइट स्काई रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा की है। यह चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पूर्वी लद्दाख के हानले गाँव में स्थित होगा। इसमें ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए उच्च ऊंचाई वाली साइटें होंगी। इस अभयारण्य का उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की मदद से स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख में एक नए विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और एक होटल प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न विकासात्मक पहलों का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती और खुबानी जैसे स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकियों में भी निवेश कर रही है और लद्दाख को कार्बन तटस्थ बनाने के प्रयास चल रहे हैं।